थैंक यू सो मच। जो भी शूट किया हम जानना चाहेंगे, काफी इमोशनल सीन भी था, इमोशनल डेज भी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लास्ट दिन का शूट तो काफ़ी इमोशनल ही होता है, बिकॉज सब लोग इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं 12 घंटे हम लोग शूट करते हैं, तो एक तरह से फैमिली बन जाती है, क्योंकि हम घर पे ही जाते हैं 3-4 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी रियल फैमिली से ज़्यादा हम लोग सेट पे होते हैं 12 घंटे, तो कहीं ना कहीं आई मिस साइली, मतलब पैन करो तो हाँ वही है, मतलब बट वेन एवर आई कम ऑन सेट आई कम मेंटली प्रिपेयर दैट डिटैचमेंट इज पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ, और उसके साथ मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी न्यूट्रल, बट आई विल मिस प्लेइंग धवल मकवाना बिकॉज आई एम वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर, तो वही है, मैं धवल को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा जैसे आप सब लोग मिस करेंगे। बात की जाए तो जी, जब से पता चला फैंस को कि ये शो ऑफलाइन जाने वाला है, सेकंड नंबर पे ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पे, एंड क्या रीजन है जो इस तरीके से सडनली ऑफलाइन हो रहा है? मतलब सी, इवन वी डिडंट नो द रीजन, हमको जितना पता चला कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, और मतलब अगर हमको पहले से पता होता तो लीप होता नहीं था इस शो में, बिकॉज लीप के TRP का भी वेट नहीं किया और शो ऑफेयर हो गया, बट अगर पहले पता होता तो बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया था शो में, और we did lots of hard work because you know outdoor shoot tha, multiple location, we were about to go to Kashmir for the shoot but we skipped that and that was a good decision because it was a hell lot of expense, so yeah kahin na kahin wo thoda sa decision sahi tha, but channel kahin na kahin apne jagah pe sahi hai, it's all about business, unko better show koi lagega to wo aayega, fir usse aur better aayega। एंड अगर वो एक बात की जाए तो पर्सनली धवल से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच, हमने देखा भी आप हमेशा रील्स वगैरह डालते थे, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं धवल से जिसको आप मिस करने वाले हैं? मैं धवल का जो, क्योंकि मेरे रोहित चैनल के अंदर ही धवल का चुलबुलापन धवल की वजह से आया था, तो वो कहीं ना कहीं मैं मिस करूँगा, मेरी पर्सनैलिटी डिफाइन की है धवल ने, तो भाई ये मैं सबसे ज़्यादा वही मिस करूँगा, आई जस्ट होप कि वो ट्रेट्स मेरे अंदर से गायब ना हो जाए और वो कंटिन्यू बरकरार रहे। एंड वहीं सेट की बात की जाएंगी तो किस किस को मिस करने वाले हैं? हमने हमेशा रील्स में भी देखा आप लोग की बॉन्डिंग, चाहे आई विल मिस एवरीवन, ऐसे नहीं, मतलब हर कैरेक्टर को मैं मिस करूंगा, क्योंकि अगेन हम लोग अटैच्ड होते हैं बहुत ज़्यादा सबको। अमरीश भाई के वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मेरी उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग है, मतलब वही एक इंसान है जिनके साथ मैंने 4th शो किया है, और हमेशा कहीं ना कहीं सीन सेम होते हैं कि वो मरते हैं शो में और मैं क्लियर होता हूँ, और आगे हमने एक नेटफ्लिक्स एक शो एक साइन किया है जिसमें भी वो वैसे ही कुछ हुए हैं, उनका डेथ होता है और मैं क्लियर होता हूँ, तो कहीं ना कहीं वही उनसे मेरा अटैचमेंट काफ़ी था वैसे, बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द शोज। हाँ, मतलब देर आर 2-3 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, देखता हूँ कौन सा पहले कैसे करना है, बट एक्साइटेड रहेगा, क्रिएटिविटी से भरपूर रहेगा, मजा आएगा वो सब करने में। एंड स्पेशली वन क्वेश्चन करना चाहेंगे कि फैंस क्लब में कौन सा फैंस क्लब आपका फेवरेट है, क्योंकि फैंस ये जानना चाहते हैं। ऐसे कोई नहीं, मतलब मैं नाम भूल जाता हूँ, लेकिन सभी है, मतलब सभी लोग हैं, मतलब सब लोग अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत टैलेंटेड है वो लोग, इतने अच्छे से एडिट्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे एडिटर भी फीका लगते हैं उसके सामने, बट सब लोग हैं ऐसे भी। थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना प्यार दिया पंड्या स्टोर को, जो कि आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, और ऐसे ही प्यार आई थिंक ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज धवल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो आई विल मिस दैट। चैनल आईडी टेली नज़ारा। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित चंदेल एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली नज़ारा।